नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञानिका के इस विशेष कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले इंडिया साइंस की पूरी टीम की ओर से आप सबको राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन वर्ष 1928 में महान वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रामन ने दुनिया को वह रामन प्रभाव का सिद्धांत दिया था, जो विज्ञान जगत के लिए काफी अहम साबित हुआ। सर, सीवी रामन का वैज्ञानिक व्यक्तित्व प्रयोगों और शोध पत्र लेखन तक ही सीमित हुआ नहीं है। उनके अंदर एक राष्ट्रीय चेतना थी और वे देश में वैज्ञानिक दृष्टि और चिंतन के प्रति समर्पित थे। नोबेल पुरस्कार विजेता और भारत रत्न सर सीवी रामन का पुण्य स्मरण करते हुए मैं आज के इस वैज्ञानिक अनुष्ठान में उपस्थित सभी कविजनों का स्वागत करता हूं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की पूर्व संध्या पर इंडिया साइंस चैनल द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय विज्ञानिका के आज के संस्करण में वैज्ञानिक चेतना से लैस जिन मूर्धन्य कवियों को इस काव्य गोष्ठी में हमने आमंत्रित किया है, वे हैं सर्वश्री पंडित सुरेश नीरज जी भारत से, डॉक्टर योजना शाह जैन जर्मनी से, डॉक्टर शुभ्रता मिश्रा भारत से, श्रीमती अर्चना पांडा अमेरिका से, श्री यशपाल सिंह भारत से और श्रीमती मनीषा कंठालिया अफ्रीका से। आप सभी कविजनों का अंतर्राष्ट्रीय विज्ञानिका के संस्करण में हृदय से स्वागत है। और अब मैं विज्ञान प्रसार के निदेशक आदरणीय डॉक्टर नकुल पाराशर जी से अनुरोध करता हूं कि स्वागत उद्बोधन से इस कार्यक्रम का विधिवत आरंभ कर हम सबको कृतिक कृत्य करें। आदरणीय डॉक्टर नकुल पाराशर जी। नमस्कार आप सबको। इस वर्ष के विज्ञान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चूंकि ये काव्य गोष्ठी है और अपने अपने छोटे से प्रयासों को कई बार अंजाम देने की कोशिश बचपन से करता आ रहा हूँ, पर कभी मौका नहीं मिला। आज आप लोगों ने इतना मौका दिया कि मैं स्वागत कुछ पंक्तियों से कर सकूं, तो कोशिश करता हूं। एक बार फिर से आप सभी का है स्वागत, एक बार फिर से आप सभी का है स्वागत, एक बार फिर से आप सभी का है अभिनंदन, एक बार फिर से आप सभी को है मेरा नमन। विज्ञान के अद्भुत संसार को, टेक्नोलॉजी के रोचक अवतार को, और लॉजिक जो दी है आपने ये लय, लॉजिक को जो दी है आपने ये लय, वातावरण होने जा रहा है वांगमय और विज्ञानमय, उससे होगी आज की शाम विज्ञान की काव्यांजलि के नाम। प्रणाम करता हूँ आप सभी मनीषियों को, नमन करता हूँ आप सभी कवीशियों को, कि जो निकाला है समय आपने, कि जो दिया है सहयोग आपने, साक्षात प्रमाणित किया है आपने वैज्ञानिक सामाजिक जिम्मेदारी को, साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को, स्कोप यानी साइंस कम्युनिकेशन पॉपुलराइजेशन एंड इट्स एक्सटेंशन में डालकर पद्य को दी आपने नई भाषा विज्ञान के गद्य को। अभिभूत होगा यह समाज, अनुग्रहित समाज, पुनः प्रणाम करता हूँ आप सभी मनीषियों को, पुनः नमन करता हूँ आप कवीशियों को। विज्ञान दिवस 2021 की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ जय हिंद और जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर नकुल पाराशर जी। अब मैं पंडित सुरेश नीरव जी से विनम्र अनुरोध करूंगा कि इस विज्ञान कवि सम्मेलन की अध्यक्षता स्वीकार करें और अंतर्राष्ट्रीय विज्ञानिका के इस संस्करण का काव्यात्मक आरंभ करें। आदरणीय पंडित सुरेश नीरव जी। धन्यवाद आदरणीय मानवर्धन कंठ जी। देश और देश के बाहर तमाम दुनिया के देशों में इस कार्यक्रम को सुनने वाले लोगों को विज्ञान दिवस की पूर्व संध्या की अनेक अनेक मंगल कामनाएं। मैं तो यही कहूंगा कि हमारे हृदय का ईथर, ओठों का क्लोरोफिल और आंखों का अल्कोहल तीनों मिल जाएं और हम सब खुशी का एक ऐसा परमाणु बन जाएं कि जहां जाएं वहां खुशी का एक माहौल बनाएं। दोस्तों, हमारे आदरणीय पाराशर जी जो कि स्वयं
विद्वान हैं और विद्वान होने के साथ साथ विनम्र हैं। उन्होंने हम सबका स्वागत किया तो हमारा फर्ज बनता है कि हम विज्ञान की वंदना करते हुए विज्ञानिका के इन पुरोधाओं को, इन योद्धाओं को जिन्होंने की वैज्ञानिका का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रचार और प्रसार किया है उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करें, आभार ज्ञापित करें। और मैं हर आयोजन को जब हम मनाते हैं तो सरस्वती वंदना करते हैं या कोई मांगलिक वंदना करते हैं। ये विज्ञान दिवस है और भारत रत्न चंद्रशेखर वेंकट रमन जी का जन्मदिन है, रमन इफेक्ट्स जिनके कारण पूरे भौतिक शास्त्र में प्रचलित हुए, उनका पुण्य स्मरण करते हुए मैं विज्ञान की वंदना करता हूँ। दीजिएगा। और एक इत्तफाक यह है कि हमारे जो पाराशर जी हैं, जो स्वयं बहुत अच्छे वैज्ञानिक हैं और विज्ञानिका से जुड़े जितने लोग, मैं सबका स्मरण करते हुए कुछ पंक्तियां पढ़ रहा हूँ जी स्वागत। कि आत्मनं प्रियनकुलं श्रीपाराशरं, आत्मनं प्रियनकुलं श्रीपाराशरं, स्वागतं 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 स्वागतं। पराशर जी ऋषि जो बहुत बड़े ऋषि हुए हैं, जो वाह लोग जानते हैं कि वो एस्ट्रोलॉजर भी थे और एस्ट्रोनॉमर भी थे। अगर कोई आज अपना हॉरोस्कोप जन्मपत्री दिखाता है तो पूछा जाता है कि पाराशर पद्धति से है या जेमिनी पद्धति से है। तो पाराशर पद्धति सबसे साइंटिफिक है। तो हम जब विज्ञान की बात करते हैं तो हमारे पास पाराशर जी हैं। तो आत्मनं प्रियनकुलं श्री पाराशरं, स्वागतम 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 स्वागतम, तुम वाह नवाचार के नव ऋषि हो गए, तुम वाह नवाचार के नव ऋषि हो गए, जोड़े विज्ञानिका से अखिल विश्वजन, तुम वाह वाह वाह, बहुत नवाचार सुंदर। के, तुम नवाचार के नव ऋषि हो गए, जोड़े विज्ञानिका से अखिल विश्वजन, मानवर्धन मानवर्धन ऋषितम कपिल का हुआ, मानवर्धन ऋषितम कपिल का हुआ, किया विज्ञान का विश्व में संचरण, आत्मनं प्रियनकुलं श्री पाराशरं, स्वागतम 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 स्वागतम। बढ़े विज्ञान के, विज्ञानिका जो कलकत्ता से शुरू हुई, माननीय प्रधानमंत्री ने जिसका उद्घाटन किया, वो सारा पराक्रम भी हमारे नकुल पाराशर जी का ही था। इतना बड़ा जी जी विज्ञान का बिल्कुल महोत्सव किया। और एक बात बिल्कुल हो गई कि हम जब साइंस डे मना रहे हैं तो साइंस तो अपने आप में जिंदगी के सेलिब्रेशन का डे होता है। साइंस इज ए डे ऑफ बिल्कुल सेलिब्रेशन, जिंदगी में सेलिब्रेशन साइंस से आता है। तो बढ़े विज्ञान के अनवरत शुभ चरण, बढ़े विज्ञान के अनवरत शुभ चरण, ढले जन जन में विज्ञान के आचरण, लिखे तकनीकी शिक्षा का नव व्याकरण, लिखे तकनीकी शिक्षा का नव व्याकरण, स्वागतम 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 स्वागतम, आत्मनं प्रियनकुलं श्री पाराशरं, स्वागतम 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 स्वागतम। तो इन शब्दों के साथ मैं विज्ञान की वंदना करते हुए देश और देश के इन देशांतर के बाहर उन वाह अक्षांशों पर जहां जहां लोग इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन सबको विज्ञान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता जी। आप बहुत सभी बहुत लोग बहुत बहुत वैज्ञानिक चेतना से बहुत लैस हों, यही मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत बहुत धन्यवाद। वो अंग्रेजी में अमेरिका में एक चीज सुनी थी मैंने, टच्ड मूव्ड एंड इंस्पायर्ड।
सर हम लोग तो ये केवल एक बात कहना चाहेंगे कि बहुत ये जो बहुत वैज्ञानिका की टीम है जिसमें मानवर्धन जी, कपिल जी और तमाम सारे लोग हैं, और तो ये वैज्ञानिका की जो टीम है उसकी स्टीम आप ही हैं। जी। बहुत छोटा आदमी हो आप अच्छा कुछ भी नहीं करता हूँ, आप सब लोग करते हैं, मेरा तो सिर्फ काम एक छोटा सा साइन करना होता और कुछ नहीं है, पर आप लोगों की वजह से ये सब संभव हो पाया है और काम यहाँ तक पहुंच पाया और आगे भी जाएगा। बहुत सुंदर, चलिए जी बहुत धन्यवाद सर, बहुत आपका भी आभार पंडित सुरेश नीरव जी, आपने एक काव्यात्मक आरंभ दिया इस विज्ञानिका को। और कार्यक्रम के आरंभ में मैं जिस कोकिल कंठी गायिका को आमंत्रित करना चाहता हूँ, वे उदयपुर राजस्थान की बेटी हैं और आजकल केन्या में बतौर रेडियो जॉकी काम करती हैं। तो आइए आनंद लीजिए मनीषा कंठालिया जी की मधुर स्वर लहरियों का, आदरणीय मनीषा कंठालिया स्वागत। जी। स्वागत। मानवर्धन, मैं जी जी आज्ञा चाहूंगा और नीरव जी 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 आप सभी से आज्ञा चाहूंगा, एक जी दूसरी जगह जी पहुंचना सर है। सर धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। नमस्कार सर, धन्यवाद बहुत बहुत नमस्कार सर, मनीषा थैंक कंठालिया यू। जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे अगर पाराशर सर रुक जाते तो बहुत अच्छा लगता हमें, लेकिन समय उनकी अपनी व्यस्तता है, उसके लिए हम इन बातों को, और हमें पूरी उम्मीद है कि बाद में जरूर वो हमारे साथ जुड़ेंगे और हमारे जी कार्यक्रम को बिल्कुल देखेंगे भी। बिल्कुल और आपने सबसे पहले ये बहुत बड़ा उत्तरदायित्व मेरे कंधों पर सौंप दिया है, बहुत बड़ी बात कि इस महान कार्यक्रम की शुरुआत में आपने सबसे पहले मुझे बुलाया है। कल विज्ञान दिवस है, इसके लिए आप सभी को मैं अपने हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि हमारे भारत का विज्ञान दिन प्रतिदिन दुगुनी चौगुनी उन्नति करे, और जैसा कि हमारा विज्ञान ऋषि मुनियों के समय में समृद्ध था, वैसी ही समृद्धि और विश्व भर में उसका ऐसा परचम लहराए कि फिर उससे आगे और कोई परचम नजर ना आए। बस यही मेरी इस विज्ञान दिवस पर आप सभी को शुभकामनाएं हैं। और जैसा कि आपने सबसे पहले कहा, तो मैं एक गीत के साथ ही शुरू करना चाहूंगी, लेकिन गीत आप सबके सामने रखूं उससे पहले, गणित के विषय की अगर कोई विद्यार्थी है और वो किसी प्रेम की भावनाओं के साथ ओतप्रोत है, तो अपने प्रेम की भावनाओं को किस तरह से चार पंक्तियों में व्यक्त करती है, मैं वो चार पंक्तियां आपके समक्ष रखती हूँ और फिर एक गीत आप सब तक पहुंचाती हूँ। कि स्वागत। कभी बस शून्य ही थी मैं और तुम बस एक थे, कभी बस शून्य ही थी मैं और तुम बस एक थे, कंकरीला सा सफर था, चुभते कांटे अनेक थे, तुम आ गए पहलू में मेरे और साथ मेरे चल दिए, तुम आ गए पहलू में मेरे और साथ मेरे चल दिए, द्विगुणित कदमों को देख सारे रास्ते फिर हंस दिए, सारे रास्ते फिर हंस दिए। वाह, जी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब बहुत ऐसा सुंदर ही एक प्रेम और प्रणय का गीत, कि अब इस गीत को आप पानी का गीत भी कह सकते हैं, और पानी के जो दो अलग अलग अणु, जो दो अलग अलग परमाणु हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, उनकी प्रेम कहानी के रूप में भी देख सकते हैं, और आप एक प्रेयसी की तरह रूप में भी देख सकते हैं कि आप दोनों चीजों में अगर कंपैरिजन करेंगे तो एक सा नजर आएगा कि जैसे हाइड्रोजन के बिना ऑक्सीजन अधूरी, वैसे प्रियतम के बिना प्रेयसी अधूरी। उस पर मैं वाह कहती हूँ, जी। एक बात सुनो प्रियतम मेरे, एक बात सुनो प्रियतम मेरे, तुम बिन मैं तन्हा रहती हूँ, मैं सांसों में ऑक्सीजन सा बहती हूँ, तुमसे कहती हूँ, मैं सांसों में ऑक्सीजन सा बहती हूँ, तुमसे कहती हूँ, सूखे होठों की प्यास बुझा, हाइड्रोजन बन तुम आ जाना, सूखे होठों की प्यास बुझा, हाइड्रोजन बन तुम आ जाना, और सदा सदा को घुल मुझ में, पानी बन कर तुम रह जाना, और सदा सदा को घुल मुझ में, पानी बन कर तुम रह जाना। पहला बंद निवेदित करती हूँ, जी सुनिएगा। जी जी
मेरे बिन तुम बोलो प्रियतम, अस्तित्व तुम्हारा कैसा है? मेरे बिन तुम बोलो प्रियतम, अस्तित्व तुम्हारा कैसा है? तेरे बिन मुझको चाहे सब पर थाम नहीं कोई सकता है। अब देखिए, ऑक्सीजन जो अणु है उसे कोई नहीं थाम सकता, लेकिन जैसे ही उसमें हाइड्रोजन मिल जाता है और वो पानी की एक बूंद बन जाती है, उसे हम हथेली में थाम भी सकते हैं, पी भी सकते हैं। तो बस उसी पर कहती है कि मेरे बिन तुम बोलो प्रियतम, अस्तित्व तुम्हारा कैसा है? तेरे बिन मुझको चाहे सब पर थाम नहीं कोई सकता है। तुमको मुझ में मिलना ही था, ये बात नियति ने खुद है लिखी। तुमको मुझ में मिलना ही था, ये बात नियति ने खुद है लिखी। इस लेख को जग में हाँ कोई मिटा नहीं अब सकता है। हाँ, प्रेम हमारा पावन है, ये कहने को तुम आ जाना, और सदा सदा को घुल मुझ में पानी बनकर तुम रह जाना, और सदा सदा वाह को घुल मुझ में पानी बनकर तुम रह जाना। अब दूसरा बंध रखती हूँ, और दूसरे बंध की जो भावना है वो कुछ इस तरह से है कि हम कई बार ये देखते हैं कि कई सारे अणु जो हैं वो हाइड्रोजन के साथ तो बने हैं, लेकिन उनमें ऑक्सीजन नहीं है, और कई सारे इस तरह के अणु बने हैं जिसमें ऑक्सीजन तो है लेकिन उसमें हाइड्रोजन नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि ऐसे जितने भी अणु हैं उनके अंदर जो रासायनिक क्रियाएं हैं वो हमारे धरती के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए घातक है। जैसे मिथेन है बहुत बहुत और सुंदर कर रही हाइड्रोक्लोरिक हैं आप, एसिड है, ये दोनों इन बहुत सुंदर जी रचना पाठ आपका चल रहा है। मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन समय की बहुत सीमा है, इसलिए आप सभी कविजनों से मेरा निवेदन है कि छोटा छोटा रखें तो ज्यादा बढ़िया है। हमारे पास समय बहुत कम है आदरणीय चलिए मैं मनीषा कंठालिया जी। तो जी हाँ, बिल्कुल दूसरा बंध सुनाते हैं। जी जी दूसरा दूसरा बंध बंद मैं सुनाते सुना देती हूँ हैं। आपको। जी जी ये दुनिया अपने मतलब से तुम को मुझको तड़ पाएगी, तुम को अपने मतलब के लिए औरों से मिलवाएगी, और मेरे लिए प्रियतम दूजे ढूंढ बहुत से लाएगी। मैं इनकी साजिश से बचकर आती हूँ जब सो जाएगी, तुम भी इनके बंधन से भाग तुरंत ही आ जाना, और सदा सदा को खुल मुझ में पानी बनकर तुम रह जाना। जी बस यहीं पर मैं वाह, अपना बहुत गीत बहुत समाप्त धन्यवाद। करूंगी, और अगर आप आज्ञा दें तो बहुत छोटी सी और बहुत जल्दी से एक कविता मैं आप सबके साथ असल में हमारे विज्ञान। साथ और भी जी लोग जुड़े हुए हैं मनीषा कंठालिया जी, जी और अब बिल्कुल समय रहा तो अवश्य आपको आमंत्रित करूंगा। जी बहुत धन्यवाद आपका, इतना इतनी आत्मीयता के साथ आपने अपनी रचना हम सबसे साझा की। जी अब मैं जिन्हें आमंत्रित करने जा रहा हूं वे वनस्पति शास्त्री होने के साथ ही हिंदी साहित्य सेवी भी हैं। विभिन्न साहित्यिक एवं वैज्ञानिक पत्र पत्रिकाओं में उनकी रचनाएं प्रकाशित होती रहती हैं, और हाँ, विज्ञानिका की इस अनूठी यात्रा में आरंभ से ही वे अपना रचनात्मक योगदान देती रही हैं। बड़े ही आदर के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर शुभ्रता मिश्रा जी को, जो कि गोवा से हैं। डॉक्टर शुभ्रता मिश्रा जी। धन्यवाद मानवरंजन जी, और पटल पर उपस्थित सभी विद्वजनों को मेरा नमस्कार है। अध्यक्ष महोदय की अनुमति से, चूंकि समय की बड़ी सीमाएं हैं, मैं 4 पंक्तियां राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर बोलते हुए आज की मुख्य कविता पर आऊंगी। करो जय घोष की विज्ञान का यह पर्व है,
करो जय घोष कि विज्ञान का यह पर्व है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस विज्ञान चेतना का मर्म है। वाह फरवरी वाह 28 थी, फरवरी 28 थी, वर्ष भी 28 था, प्रकाश के बिखराव का खोजा रामन ने राज था, और खोज को सम्मान देने भारत मनाता यह दिवस प्रतिवर्ष है। करो जय घोष कि विज्ञान का यह पर्व है, करो वाह जय घोष कि विज्ञान का यह पर्व है। क्या बात, बहुत सुंदर। तो विज्ञान ऐसा है कि जिसने हम सभी को जय घोष करने के लिए, खासतौर पर मानव जाति को जय घोष करने के लिए मजबूर कर दिया है, और आज हम जो आपस में वार्तालाप कर रहे हैं कहीं ना कहीं इसमें विज्ञान का ही चरमोत्कर्ष है। लेकिन इसके बावजूद भी कई बार ऐसी कुछ चीजें प्रकृति में हो जाती हैं जहां कहीं ऐसा होता है कि विज्ञान के कारण हमें बहुत सी त्रासदियों को झेलना पड़ा है। तो ऐसी ही आज की मेरी कविता को मैं विशेष रूप से लाई हूं कि ग्लेशियर तुम इतना टूटते क्यों हो। आपको याद होगा कि इसी फरवरी की पहले सप्ताह में हमारे यहाँ ग्लेशियर टूटा था और जी जी उत्तराखंड में बहुत बड़ी मानव त्रासदी हुई थी। जी जी उसी को केंद्र में रखते हुए समस्त ग्लेशियरों पर ये कविता है। सुनाए सर सुनाए आपकी अनुमति चाहूंगी जी, कि स्वागत। मैं मानव जाति बेहद आहत सी, अकुलाती कप कपाती, आखिरकार पूछ ही लेती हूं उससे। मैं मानव जाति बेहद आहत सी, अकुलाती कप कपाती, आखिरकार पूछ ही लेती हूं उससे, ग्लेशियर तुम इतना टूटते क्यों हो। बहुत ग्लेशियर अच्छे, तुम इतना टूटते क्यों हो बहुत अच्छा, जब तक बहुत जिंदगियों को लूटते क्यों हो। वाह, ग्लेशियर तुम इतना टूटते क्यों हो जब तक जिंदगियों को इतना लूटते क्यों हो। जितने पृथ्वी के तुम हो उतने ही हम हैं, जितने पृथ्वी के तुम हो उतने ही हम हैं। तुम में प्राकृतिक तो हम में विज्ञान के दम है, तुम में प्राकृतिक तो हम में विज्ञान के दम है। तुम में और हम में कुछ अलग नहीं है, तुम में और हम में कुछ अलग नहीं है। फिर पल पल इतना रूठते क्यों हो। बहाते ले जाते हो अपनों में अपने में अपनों को, बहाते ले जाते हो अपने में अपनों को। आह करुणा सी पीड़ा से इतना तड़पाते क्यों हो। ग्लेशियर तुम इतना टूटते क्यों हो। वाह, बहुत सुंदर। अरे विशाल हिमखंड हो फिर भी कितने उद्दंड हो। अपने ही भार से अपने ही हिम को निम्न भूमि की ओर धीरे धीरे खिसकाते बढ़ते से बहते हो। फिर क्यों जिंदगियों का भार नहीं समझते हो कि अपने ही भार से अपने ही हिम को निम्न भूमि की ओर धीरे धीरे खिसकाते बढ़ते से बहते हो। फिर क्यों जिंदगियों का भार नहीं समझते हो वाह पर बहाते ले जाते हो अपने में अपनों को। आह पातक सा दोषी बन इतना लजवाते क्यों हो। ग्लेशियर तुम इतना टूटते क्यों। वाह, अरे कुलीन हिमनद हो, ध्रुवीय अल्पाइन गोत्रों का रखते कद हो, परिवार तो तुम्हारा भी है। ये परिवार तो तुम्हारा भी है, गिरिपद हिमनद, महाद्वीपी हिमनद, घाटी हिमनद, तीन कुलों वाले हो। फिर क्यों घरों के नाश नहीं समझते हो, फिर क्यों घरों के नाश नहीं समझते हो। बहाते ले जाते हो अपने में अपनों को। आह दारुण सा दुख इतना देते क्यों हो। ग्लेशियर तुम इतना टूटते क्यों। वाह वाह, अरे बहुत सुंदर। समृद्ध जल भंडार हो, विश्व की 100% प्यास के आधार हो कि अरे समृद्ध जल भंडार हो, विश्व की 100% प्यास के आधार हो। पिघलते हो पीने को जल देते हो, भ्रंश दरारों के दर्द भी सहते हो। और खासतौर पर इन पंक्तियों पर ध्यान चाहूंगी कि वाह, प्लेस्टोसीन काल के हिमयुगीन वृद्ध हो, फिर क्यों जीने की आस नहीं समझते हो। और बहाते ले जाते हो अपने में अपनों को। आह काल कल्लोलिनी में इतना बहाते क्यों हो, तुम क्या बात, काल कल्लोलिनी में इतना बहाते क्यों हो। ग्लेशियर तुम इतना टूटते क्यों हो। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अरे स्वयं हिमाच्छादित हिमानी हो और हमें समझते तुच्छ सा बेमानी हो। जी हिमपात के अवशेष सरिताओं के स्रोत हो, कितनी सघन हिम राशियों से ओतप्रोत हो।
और टुकड़ों में अस्तित्व झरता है तुम्हारा भी, टुकड़ों में अस्तित्व झरता है तुम्हारा भी, सहते तुम भी हिमस्खलन का बिछो हो, फिर क्यों हमारी मृत्यु का त्रास नहीं समझते हो? बहाते ले जाते हो अपने में अपनों को, आह हृदय को वेदना से इतना अकुलाते क्यों हो? ग्लेशियर तुम इतना टूटते क्यों? अरे वाह, नदी बहुत के सुंदर। भाई हो, अरे नदी के भाई हो, फिर भी कितने कसाई हो? अपरदन परिवहन निक्षेपण उत्पादन अपकर्षण प्रसर्पण, नदियों सी बहनों के पूरे गुण रखते हो। पिता से हिमालय माता सी प्रकृति, अपनों की लज्जा को हिम चादर से तुम ढकते हो, अपनों की लज्जा को हिम चादर से तुम ढकते हो, फिर क्यों रिश्तों के मोहपाश नहीं समझते हो? बहाते ले जाते हो अपने में अपनों को, आह अवगुणों से शूल इतना क्यों चुभाते हो? ग्लेशियर तुम इतना टूटते क्यों? बहुत सुंदर डॉक्टर और अब सुभद्रा जी, अगली बहुत पंक्तियों पर ध्यान देना चाहूंगी कि थोड़ा लिया संक्षेप नाम है जो, जी जी जी, सर बस माफी थोड़ा सा, चाहूंगा, लिया थोड़ा नाम जो संक्षेप नदी जी बहनों का, लिया जी नाम जो नदी बहनों का, रिश्तों का सूरज जाग उठा, आग बबूला सा होकर ग्लेशियर मानो चिंगाड़ उठा। सुने मानव जाति कितने ही प्रश्नों पर मैंने साधा था अब तक मौन बड़ा, सुनता रहा मैं खड़ा खड़ा, अब मैं बोलूंगा तुम सुनना, अब मैं बोलूंगा तुम सुनना, अपने लेखे जोखों को खुद गुनना, अपने स्वार्थ प्रदूषण से पवित्र बहनों नदियों की अस्मिता काली की तुमने, भोली सी वायु का दम भी पल पल पर घोंटा तुमने, बिजली पानी की खातिर मेरा तन बन नौचा तुमने, विज्ञान की माला जप जप कर गिरिगहवर शैल छील छील कर कितने तुमने टनल बनाए, विज्ञान के कांधे पर रख बंदूक बांधों से आंसू रुलवाए, और खोद खोद कर रौंद रौंद कर कंदराओं में जाने कितने मार्ग बनाए, मेरे शिखरों का कर मर्दन अपने घर पर शिखर चढ़ाए, विश्व ताप को बढ़ा बढ़ाकर सारे हिमधन तुमने पिघलाए, मेरे जंगल मेरे पहाड़ मेरे ध्रुव जल जीवन के भंडार, मेरे महासागरों के स्तर की प्रतिपल बढ़ती धार धार, मानव जाति तुम्हारी खातिर हम हिमनद रोए जार जार, और सुन दलीलें ग्लेशियर की, पसर गया गहरा सन्नाटा, न्यायाधीश बन विज्ञान ने मानो गहराई को पाटा। और देखिए कविता काफी बड़ी है लेकिन सुब्रता चूंकि जी, इसको माफी चाहता हूँ, पुनः आपको जी मैं जी सर बीच में रोक जी रहा सर हूँ। बहुत सारे हमारे कविजन हैं, सबको सुनने के लिए दर्शक हमारे जी बैठे हुए सर हैं, बहुत माफी चाहता हूँ। और सर कोई अंतिम बात नहीं अंतिम पंक्ति अंत अंत करके इसको फिर हमें अवसर दे दूसरे कवि को बुलाने का, अंत करने जी जी से सर जी जी, सर अंतिम पंक्ति जी। अभी कहाँ समझा है तुमने हिमनद का पूरा विज्ञान, थोप रहे हो उस पर अपना स्वार्थ लिप्त अधूरा ज्ञान, वाह, करते नहीं क्यों हिमनद सम्मान, और समझ जाओगे जिस दिन तुम आपस का वरद विज्ञान, प्रश्न ना ऐसे उठेंगे ग्लेशियर तुम इतना टूटते क्यों हो, जब तब जिंदगियों को लूटते क्यों। धन्यवाद वाह, बहुत वाह बहुत वाह धन्यवाद, वाह बहुत बहुत आभार, आपने इतनी सुंदर रचना पढ़ी। अब जिन्हें मैं आमंत्रित कर रहा हूं, वे वैज्ञानिक भी हैं, सफल उद्यमी भी हैं, लेखिका और कवयित्री होने के साथ ही गायिका भी हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर योजना शाह जैन की, जो कि जर्मनी से है। आदरणीय डॉक्टर स्वागतम योजना स्वागतम योजना शाह जैन, जी, स्वागत है स्वागत। आपका। नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष महोदय पंडित सुरेश नीरव जी को नमन करते हुए और आपकी पूरी टीम को, नकुल पाराशर जी जो यहाँ पर नहीं है उनको प्रणाम करते हुए, और हमारे सभी साथी कवि कवयित्रियों को प्यार भरा नमस्कार मेरा, और विज्ञान दिवस की सबको अग्रिम शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। तो इस अनूठे प्रयास के लिए मैं बहुत बधाई देती हूँ सबसे पहले सारी टीम को, और जैसा कि सर ने बताया कि मैं पेशे से खुद वैज्ञानिक हूँ, और क्लिनिकल रिसर्च से लेके लैब एक्सपेरिमेंट तक सब कुछ किए हैं। तो जब इस कार्यक्रम का निमंत्रण आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैंने सोचा अरे वाह साइंस के साथ कविता भी। तो जो जी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो मैं विज्ञानिका को ही डेडिकेट करती हूँ इस रचना को, वाह, बहुत तो सुंदर, जरूर स्वागत जरूर सुनाइएगा, उन्हें अच्छा लगेगा। कि स्वागत अनोखा अनूठा ये प्रयास, अनोखा अनूठा ये प्रयास, कला विज्ञान को लाता पास, अनोखा अनूठा ये प्रयास, कला विज्ञान को लाता पास, करने सहज विज्ञान प्रकाश, भर उसमें कविता की मिठास, करने वाह, सहज विज्ञान प्रकाश, भर उसमें कविता की मिठास, फहराने झंडा
फहराने झंडा ज्ञान का, देश के अभिमान का, आई है विज्ञान का। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं पता नहीं आप लोगों ने वैज्ञानिका को कौन सा जेंडर दिया है, पर फीमेल साइंटिस्ट होने के नाते मैंने तो इसे फीमेल ही बना दिया है। तो मैं योजना जी, ये विज्ञान का काव्य अवतरण है, तो ये फीमेल जेंडर ही है। बहुत अच्छा जी, जी जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और आगे वैज्ञानिक का एक एक्सपेरिमेंट देखिए कि यहाँ पे मैंने, क्योंकि ये काव्य और विज्ञान का समागम है, तो अगली पंक्तियों में मैंने साइंटिस्ट को और कलमकारों को एक सूत्र में बांधने की कोशिश की है। उम्मीद है स्वागत आएगा। स्वागत। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण समझाया, वहीं दिनकर ने रश्मि रथी सजाया। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण समझाया, वहीं दिनकर ने रश्मि रथी सजाया। एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब जलाया, तो शेक्सपियर ने प्रेम का महाकाव्य रच। रोमियो जूलियट को हर दिल में बसाया। डाल्टन ने दिया हमें परमाणु सिद्धांत, तो प्रेमचंद ने गोदान कराया। गैलीलियो ने टेलीस्कोप से ब्रह्मांड को देखा। गैलीलियो ने टेलीस्कोप से ब्रह्मांड को देखा, और राइट ब्रदर्स ने पहला वायुयान उड़ाया। लेखक ने जहां जहां देखा प्रेम और सौंदर्य, लेखक ने जहां जहां देखा प्रेम और सौंदर्य, वैज्ञानिक ने वही ज्ञान का नया सिद्धांत खोजा और पाया। इसी अजब अलख को जगाने, कलात्मक विज्ञान की क्रांति लाने, देश का गौरव बढ़ाने, और प्रशस्त करने मार्ग सज्ञान का, आई है विज्ञान का। वाह वाह, विज्ञान का। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। राज राज नीले समंदर का खोल गए सीवी रमन, राज नीले समंदर का खोल गए सीवी रमन, और बने पहले एशियन जिन्हें मिला नोबल रतन। ग्राहम ने बनाकर टेलीफोन दूरियां मिटाई, तो अमृता प्रीतम ने भी तो प्रेम की नई परिभाषाएं बताई। ग्राहम ने बनाकर टेलीफोन दूरियां मिटाई, तो अमृता प्रीतम ने भी तो प्रेम की नई परिभाषाएं बताई। पहली वैक्सीन बना जेनर ने कई रोगों को दूर भगाया, तो महादेवी और निराला ने दिलों में एहसासों को जिलाया। हरगोविंद खुराना ने खोजा अनुवांशिक कोण का मोती, हरगोविंद खुराना ने खोजा अनुवांशिक कोड का मोती, तो वर्ड स्मिथ कीट्स ने दिए साहित्य जगत को नए जुगनू ज्योति। और चरक और सुश्रुत संहिता में यौगिक ऋषियों ने दिया दिव्य ज्ञान, चरक और सुश्रुत संहिता में यौगिक ऋषियों ने दिया दिव्य ज्ञान, शून्य देकर हमने दी विज्ञान को एक नई उड़ान। शून्य देकर हमने विज्ञान को दी एक नई उड़ान, और हुई और होती रहेंगी जग में हमेशा नई खोज, पर सबसे ऊपर रहेगा हमेशा आयुर्वेद का ओज, सबसे ऊपर रहेगा हमेशा आयुर्वेद का ओज, और योग ध्यान के विज्ञान का, योग ध्यान के विज्ञान का, विश्व गुरु हिंदुस्तान का, देने का विश्व को भारत के प्राचीनतम ज्ञान का, आई है विज्ञान का। वाह, की अंतिम पंक्तियां कि काव्यात्मक लय में विज्ञान की उपयोगिता बताने, काव्यात्मक लय में विज्ञान की उपयोगिता बताने, समाज में फैली भ्रांतियों को मिटाने, समाज में फैली भ्रांतियों को मिटाने, और जनमानस की विज्ञान में रुचि जगाने, कवियों की कलम से। आप लोग बहुत अच्छा ये सब संयोजन कर रहे हैं, और इसके पीछे जो विजन है मैं समझ सकती हूँ, इसके पीछे का विजन क्या है, समाज में फैली भ्रांतियों को मिटाने और जनमानस की विज्ञान में रुचि जगाने, और हमसे आप ये काम करवा रहे हैं कि कवियों की कलम से देने संदेश विज्ञान का, आई है विज्ञान का, आई विज्ञान का। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय योजना जी, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। अब कार्यक्रम को और आगे बढ़ाने से पहले मैं आज की इस कवि गोष्ठी के अध्यक्ष पंडित सुरेश नीरव जी से निवेदन करूंगा, जो कि शब्द ब्रह्म के अनन्य उपासक हैं। पंडित सुरेश नीरव जी, आप हम सबको सपनों की वैज्ञानिकता से परिचय कराएं। आदरणीय पंडित सुरेश नीरव जी, धन्यवाद
आदरणीय मानवर्धन कंठ जी, निश्चित रूप से मैं जो रचना दे रहा हूँ ये सपनों को ये सिद्ध करने के लिए दे रहा हूँ कि सपने हमारी ताकत होते हैं. ड्रीम इज एनर्जी, ड्रीम्स आर आवर एनर्जी. जैसे आपने एक सपना देखा वैज्ञानिका का, आपने एक सपना देखा कि मैथिली में प्रसारण हो, तो सपना ही आदमी को ताकत देता है. तो सपने कैसे होते हैं इस पर मैं एक बात कह रहा हूँ. और कुछ लोगों के लिए तो विज्ञान ही एक सपना होता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके सपनों में भी विज्ञान होता है. तो मैं सपनों का विज्ञान आप तक दे रहा हूँ. समय कम है इसलिए बहुत तेजी से कविता पढ़ूंगा, लेकिन अपने समय में पढ़ूंगा. तो सुनिएगा कि पहला चेतन, दूसरा अवचेतन, सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस. पहला चेतन दूसरा अवचेतन दो भाग जिससे मिलकर बनता है हमारा दिमाग. इसमें जो अवचेतन है वो हमारे सपनों का निकेतन है. इसमें जो सब अवचेतन है वो हमारे सपनों का निकेतन है. वैज्ञानिकों का मानना है कि ये सपने कभी हमारी दबी हुई इच्छाओं का प्रक्षेपण होते हैं, कभी प्रतिफल होते हैं. सपने कभी डिवाइन सिग्नल होते हैं. सपने कभी प्रक्षेपण होते हैं, प्रतिफल होते हैं, तो कभी ये सपने डिवाइन सिग्नल होते हैं जो सीधे कॉस्मोस से आते हैं, जो सीधे कॉस्मोस से आते हैं और हमें भविष्य के तमाम संकेत दे जाते हैं. ये सपने दिमाग की कोशिकाओं पर लिखे अज्ञात का थीम होते हैं. ये सपने दिमाग की कोशिकाओं पर लिखे अज्ञात का थीम होते हैं. कभी REM होते हैं तो कभी डेल्टा ड्रीम. वैज्ञानिकों ने क्लासिफाई किए हैं ड्रीम, रैपिड आई मोशन ड्रीम्स एंड डेल्टा आई मोशन ड्रीम्स. तो कभी ये सपने REM होते हैं तो कभी डेल्टा ड्रीम होते हैं. सपने दिमाग की कोशिकाओं पर लिखे अज्ञात का थीम होते हैं. ये सपने कभी इंट्यूटिव होते हैं, ये सपने कभी इंट्यूटिव होते हैं तो कभी इंटरेक्टिव होते हैं, कभी पेसिव होते हैं तो कभी एक्टिव होते हैं. ये सपने कभी टीचर बनकर, ये सपने कभी टीचर बनकर जब नींद के आंगन में उतर कर आते हैं तो संगीतकार को नई, तो संगीतकार को नई धुन, तो कवि को नई कविता दे जाते हैं. सच ये सपने नींद के कंप्यूटर में तमाम मैसेजेस अपलोड करते हैं. सच ये सपने नींद के कंप्यूटर में तमाम मैसेजेस अपलोड करते हैं जिसे वैज्ञानिक बड़े सलीके से डिकोड करते हैं. ये सपने नींद के कंप्यूटर में तमाम मैसेजेस अपलोड करते हैं जिसे वैज्ञानिक बड़े सलीके से डीकोड करते हैं. कुछ सपने भूल जाते हैं तो कई सपने कई दिनों तक याद होते हैं. जी हाँ, ये सपने भविष्य का अनुनाद होते हैं. रेजोनेंस, ये सपने भविष्य का अनुनाद होते हैं. कभी ये सपने चुप्पी का अनुवाद होते हैं, कभी अज्ञात से संवाद होते हैं, तो कभी ये सपने संकल्पों का सिंह द्वार होते हैं. तो कभी ये सपने संकल्पों का सिंह द्वार होते हैं जिसकी सकारात्मक ऊर्जा से सपने साकार होते हैं. आप जिंदा हैं ये बात सपने बताते हैं. आप जिंदा हैं ये बात सपने बताते हैं, क्योंकि सपने मुर्दों को कभी नहीं आते. आप जिंदा हैं ये बात सपने बताते हैं, क्योंकि सपने मुर्दों को कभी नहीं आते हैं. हर आदमी का अपना एक सपना होता है. अब देखिए ना, हर आदमी का अपना एक सपना होता है, जो उसका अपना होता है. किसी किसी के लिए सपना निद्रालु रसायन की आदत होती है. किसी किसी के लिए सपना निद्रालु रसायन की आदत होते हैं, तो किसी के लिए ये सपने उसकी ताकत होते हैं जो असंभव को संभव करके दिखाते हैं. सपने रेत की आंखों में भी नदी के सपने दिखाते हैं. सपने रेत की आंखों में भी नदी के सपने दिखाते हैं. सपने असंभव को भी संभव करके दिखाते हैं. तो दोस्तों, ये एक मैंने रचना बताई है, क्योंकि अभी हमारे विश्व स्तर पर जहाँ फ्राइड ने और चुंग ने ड्रीम्स की उसको साइकोलॉजी को छोड़ा था, एक नया विज्ञान डेवलप हो रहा है अमेरिका में, उस पर काम हो रहे हैं. इसे ओरोनोलॉजी कहते हैं, जिसमें सपनों के विज्ञान को डिफाइन किया जा रहा है. तो मैंने अपने समय में एक कविता पढ़ दी, और मैं एक अनुमति मानवर्धन जी से चाहूंगा, क्योंकि उनके इस प्रोग्राम पर तमाम लोग रिएक्शन दे रहे हैं. मैं उनके नाम अगर पढ़ सकूं तो शायद उनको भी बहुत अच्छा लगेगा.
हमारे बीच जी जी जो लोग इस कार्यक्रम को जी सुन अवश्य रहे हैं उसमें जर्मनी से डॉक्टर शिप्रा शिल्पी हैं और सूर्यकांत शर्मा जी हैं, बेंगलोर से ज्ञानचंद मर्मज्ञ जी हैं, राजेश लखेरा जी हमारे अमेरिका से इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, मोनिका शर्मा जी सुन रही हैं, रामवरण ओझा जी सुन रहे हैं, नूतन कंठ इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, महेश बैसोया जी सुन रहे हैं, पारुल जैन, संजीव भगत जी अमेरिका से, आनंदा पाटनी इस प्रोग्राम को रात में उठ के सुन रही है मैरीलैंड से, निधि शुक्ला जी सुन रही हैं कोलकाता से, बहुत बड़े साहित्यकार सुरेश चौधरी जी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, और बहुत अच्छे साहित्यकार और दूरदर्शन के डायरेक्टर रहे पीएन सिंह साहब इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, अनिल करण जी सुन रहे हैं, अमित दीक्षित जी सुन रहे हैं, नीरज नेथानी जी श्रीनगर से इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, सुनीता बंसल जी सुन रही हैं, सुनीता माहेश्वरी जी सुन रहे हैं, या कवि कवित्री लोग अमेरिका से ही सुभाष चंद्र लखेरा जी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं जो कि स्वयं बड़े अच्छे वैज्ञानिक लेखक हैं और वैज्ञानिक रहे हैं, दरियाप सिंह राजपूत इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, जयपुर से लक्ष्मण रामानुज लड़ीवाल इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, वरिष्ठ साहित्यकार ओम प्रकाश अज्ञात जी कन्नौज से इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, राजेंद्र मिलन डॉक्टर राजेंद्र मिलन आगरा से इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, सुलेखा मिश्रा जी इस कार्यक्रम को सुन रही हैं लखनऊ से, रणदीप संजीवनी जो कि बहुत अच्छे गीतकार हैं वे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, डॉक्टर कल्पना पांडे और डॉक्टर श्वेता सिन्हा हमारे इस कार्यक्रम को अमेरिका से सुन रही हैं, इंडिया टीवी से हमारे नवनीत कुमार गुप्ता जी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, निधि मध्यशिया जी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, ब्रह्मदेव शर्मा जी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, मधु मिश्रा जी इस कार्यक्रम को सुन रही हैं, सतपाल स्नेही जी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, मैं थोड़ा सा व्यवधान किया केवल इसलिए कि जो लोग इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उनकी बात भी इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों तक पहुंचे, तो उनका सबकी ओर से वैज्ञानिकाओं को वैज्ञानिक कार्यक्रम को शुभकामनाएं देते हुए मैं पुनः निवेदन करूंगा आदरणीय मानवर्धन जी से कि वह कार्यक्रम को आगे बढ़ाए, धन्यवाद जी सर। जी सर बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पंडित सुरेश नीरव जी, और जिन जिन प्रमुख व्यक्तियों का आपने नाम का उल्लेख किया उन सबको मैं प्रणाम प्रेषित करता हूं, और अब मैं जिस कवि को आमंत्रित करने जा रहा हूं उनका नाम है श्री यशपाल सिंह जी, बड़े ही आदर के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूं, यशपाल जी आप आए और रचना पाठ से हम सबको अनुग्रहित करें, आदरणीय श्री यशपाल सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद मानवर्धन जी, और मंच पर उपस्थित आदरणीय नीरव जी को प्रणाम, सभी कवि मित्रों को प्रणाम, और जितने भी लोग पटल पर इस कार्यक्रम से जुड़े हैं उन सबको मेरा धन्यवाद और आभार, और उनको भी सादर प्रणाम करते हुए चार लाइनें, क्योंकि रमन जी का हम सेलिब्रेट कर रहे हैं उनके अचीवमेंट को, तो उनके लिए कुछ लाइनें शुरू करके उसके बाद एक कविता आपके सामने रखूंगा जी। कि जाते थे जलपोत से मन में उठा प्रसंग, जाते थे जलपोत से मन में उठा प्रसंग, कि सागर के जल का भला नीला क्यों है रंग, जल से विकरण पर किया शुरू उन्होंने शोध, तो आवृत्ति बदलाव का हुआ रमन को बोध, रमन प्रभाव कहा गया उनका अनुसंधान, प्रश्न उठा तो बढ़ गया एक कदम विज्ञान। क्या बात है यशपाल जी, तो बढ़ गया एक बहुत कदम विज्ञान जी। और मैं उस कविता पर आता हूँ, आजकल पूरा माहौल है जी जिस चीज का, अभी बहुत सारे मंगल ग्रह पर बहुत सारे प्रयास अभी हुए हैं, कई कंट्री वहां पर गए हैं, तो मैंने भी उस पर एक कविता लिखी थी जब हमने मंगलयान भेजा था जी। कि कभी लिखा जब जाएगा इसरो का इतिहास, कभी लिखा जब जाएगा इसरो का इतिहास, उसमें शायद शीर्ष पर होगा दिन वो खास जिस मंगल ग्रह में
मंगल ग्रह में जिस दिवस हमने किया प्रवेश, पहुंचे थे तब तक जहां केवल पहुंचे थे जब तक जहां सिर्फ तीन ही देश, यूएस यूरोप रूस और बस, पहुंचे थे कुल तीन और कोशिश उसने की मगर सफल हुआ ना चीन। क्या बात, बहुत सुंदर। कोशिश उसने की मगर सफल हुआ ना चीन, और आती 26 माह में कुछ ऐसी तारीख, आती 26 माह में कुछ ऐसी तारीख, मंगल पृथ्वी परस्पर जब जब होते नजदीक, संभव तब ही साधना मंगल से संपर्क, था निर्णय के पक्ष में सिर्फ यही एक तर्क, बाकी सारे तर्क थे निर्णय के विपरीत, सीमित संसाधन बड़े सीमित थी तकनीक, और था उपग्रह भर छोड़ने का अब तक अभ्यास, अंतर ग्रह अनुगमन का था ये प्रथम प्रयास। अंतर ग्रह अनुगमन का था ये प्रथम प्रयास, और जिस रास्ते चलकर गए बाकी तीनों देश, जिस रास्ते चलकर गए बाकी तीनों देश, उसकी खातिर चाहिए साधन बड़े विशेष। पीएसएलवी था मगर सम क्षमता उतनी ना आए, बीच रास्ते में कहीं ईंधन कम पड़ जाए, मार्ग लंबा था ये रास्ता और छोटा अपना यान, अब या तो बदलो रास्ता या छोड़ो अभियान। मार्ग चुने कुछ इस तरह, ईंधन कम हो खर्च, मार्ग चुने कुछ इस तरह, ईंधन कम हो खर्च और हल्के हो उपकरण, इस पर चला विमर्श। और हल्के हो उपकरण, इस पर चला विमर्श, प्रक्षेपण में शेष था मुश्किल से एक साल, लगे रहे दिन रात तो हल कर लिए सवाल, और मिल जाती है राह जब चाह होए मजबूत, इसरो ने जग को दिया इसका बड़ा सबूत। और था प्रक्षेपण के लिए सब कुछ अब तैयार, था प्रक्षेपण के लिए सब कुछ अब तैयार, बस मौसम अनुकूल हो इसकी थी दरकार, लेकिन विधि का भी है, लेकिन विधि का है सदा अपना अलग विधान, होना शायद सब्र का बाकी था इम्तहान। पैसिफिक में घिर गया एक बड़ा तूफान, प्रक्षेपण टलता गया दिन दिन सुबह शाम, लगता था सब व्यर्थ ही जाएगा संघर्ष, चूके जो इस बार तो खो देंगे कुछ वर्ष, क्योंकि 26 माह में एक दफा आती कुछ तारीख जी। तो चूके जो इस बार तो खो देंगे कुछ वर्ष, सब्र और संतोष का अहम बहुत किरदार, कर्म किया जो हाथ था फल ना ही अधिकार, और प्रक्षेपण चलता गया दिन दिन सुबह शाम, आठ दिनों चलता रहा कुदरत का व्यवधान, और प्रक्षेपण चलता गया सुबह दिन दिन सुबह शाम, बामुश्किल संभव हुआ अंत समय प्रस्थान, बामुश्किल संभव हुआ अंत समय प्रस्थान, और कोटि बयालीस मील वो चला 300 रोज, करता मंगल यान का मंगल ग्रह की खोज, और सितंबर 24 सन 14 का वो दिन वो खास, इसरो ने जिस दिन रचा एक नया इतिहास, मंगल ग्रह के कक्ष में पहुंचा मंगल यान, और ऑटो से सस्ता कहा मोदी ने अभियान। मोदी जी ने कहा भाई ये तो अहमदाबाद के जो पर किलोमीटर रेट है उससे भी सस्ते हैं, पहुंचे हम तो जी। ऑटो से सस्ता कहा मोदी ने अभियान, और हॉलीवुड की फिल्म का जितने में निर्माण उससे भी कम खर्च में पहुंचा मंगलयान, और तय अनुमानित आयु रही जिसकी बस एक साल, 2000 पूरे किए उसने दिन फिलहाल, लाइनें इधर उधर हो रही है, 2000 दिन पूरे किए उसने हाल फिलहाल, और
जहां सबकी पहली कोशिशें जहां रही नाकाम, हमने प्रथम प्रयास में हासिल किया मकाम। जहां जहां सुविधा है, जहां जहां सभी कुछ और सुलभ हर चीज, कभी कभी उसमें निहित नाकामी के बीज, कभी कभी उसमें निहित नाकामी के बीज। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आदरणीय श्री यशपाल सिंह जी, बहुत सुंदर रचना पाठ करने के लिए। और अब मैं जिन्हें आमंत्रित करने जा रहा हूं, उनसे जब इस कार्यक्रम के सिलसिले में मेरी बात हुई तो उन्होंने मेरे निवेदन पर अपनी कुछ रचनाएं मुझे सुनाई और मुझे बहुत पसंद आई वो रचना, आपको भी पसंद आएगी। मैं आमंत्रित करना कर रहा हूं श्रीमती अर्चना पांडा जी को। श्रीमती अर्चना पांडा जी अमेरिका से हैं। आदरणीय अर्चना पांडा जी, आप आए और अपनी रचना का पाठ करें। स्वागत। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, शुभ प्रभात। अमेरिका में अभी ब्रह्म मुहूर्त है, सुबह के 3:30 बजे हैं, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि इतने अच्छे विषय के साथ, इतने अच्छे टीम के साथ मैं जुड़ रही हूँ। तो बिना कुछ भूमिका बांधे मैं अपनी कविता पर आती हूँ कि अमेरिका में विज्ञान के लिए सबसे बड़ा जो विषय है, जो सबसे बड़ा इशू है, मुद्दा है, वो है वुमेन इन टेक्नोलॉजी। कहते हैं कि विज्ञान पर हर एक का अधिकार है, लेकिन क्यों हम देखते हैं कि विश्व भर में, भारत में भी, हर देश में विज्ञान में, टेक्नोलॉजी में, जिसे हम कहते हैं स्टेम, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथ, उसमें क्यों हमारी वुमेन शक्ति का, नारी शक्ति का जो प्रतिशत है बहुत कम है। ये मैंने खुद अपने पर्सनल लाइफ में, अपनी निजी जिंदगी में देखा है, क्योंकि मैंने जब इंजीनियरिंग किया तो उसमें कितनी सारी मुश्किलें, व्यवधान आए थे, उसको मैं कविता के रूप में प्रस्तुत करना चाहती हूँ। इस प्रबुद्ध मंच को प्रणाम करते हुए मैं अपने जीवन की एक घटना कि किस तरह से औरत, नारी, वुमेन को टेक्नोलॉजी में कितने ब्लॉकेज, कितने व्यवधानों का सामना करना पड़ता है, इस पर मैं अपने कुछ विचार करना चाहती हूँ, अगर आपकी इजाजत। स्वागत स्वागत, पढ़िए। तो प्रस्तुत है। मैं अपनी माँ के लिए खास हो गई, मैं अपनी माँ के लिए और खास हो गई जब इंजीनियरिंग एग्जाम में पास हो गई। बिना डोनेशन, बिना डोनेशन, बिना सिफारिश, बिना फियर बने, माँ चाहती थी कि बेटी इंजीनियर बने। लेकिन कॉलेज जाकर जो हुआ था मेरा हाल, एक लड़की मैं, 90 लड़के, मन में उठे सवाल, मन में उठे सवाल, समझ में कुछ ना आया, घर से पहली बार दूर थी, मन घबराया, मन बोला कि माया छोड़ो, मोह को त्यागो, मन बोला कि माया छोड़ो, मोह को त्यागो, बांधो बोरी बिस्तर, वापस घर को भागो। ऐसा हुआ था कि मैं कॉलेज छोड़ के आ गई थी, लेकिन फिर क्या हुआ, समझ गई माँ, समझ गई माँ, देख के मुझको पूरा सार, रूप धरा दुर्गा का, रूप धरा दुर्गा का, उसने तज के प्यार। माँ, मैंने कहा, माँ समझ मेरे हालात, माँ समझ मेरे हालात, न मुझको ताना दे, बड़ी जोर से भूख लगी है, खाना दे। कैसे दू खाना बेटी, कैसे दू खाना बेटी, बात करती है, एक लड़की होकर तो इतना डरती है। माँ माँ सब कहते हैं, सब कहते हैं तू ना कर पाएगी, लड़की है, टेक्नोलॉजी से डर जाएगी। बेटी बेटी, हर औरत दुर्गा है, बेटी हर औरत दुर्गा है, वो डर नहीं सकती, ऐसा कौन सा काम है जो औरत कर नहीं सकती। एक बच्चे के जन्म में, एक बच्चे के जन्म में औरत को जान का खतरा है, फिर भी सृजन को अर्पित इसका कतरा कतरा है। मैंने फिर अपनी बात रखने की कोशिश की। माँ माँ सब मुझसे कहते हैं, सब मुझसे कहते हैं औरत का इंजीनियर बन के करना क्या है। माँ सब कहते हैं कि इंजीनियर बन के क्या करना है, शादी करके आके चूल्हा चौका ही तो धरना है। माँ ने कहा, क्यों बेटी, क्यों बेटी, हम तुमको बस चूल्हा चौका दें, क्यों बेटी, क्यों तुमको हम बस चूल्हा चौका दें, जाओ आसमान छू लो, हम तुमको मौका दें, हम तुमको मौका दें। बहुत सुंदर, शुक्रिया, धन्यवाद। आखिर में एक मैंने बस जुगत लगानी चाहिए कि माँ मान जाए कि मुझे वापस ना भेजे। देखो ना माँ, देखो माँ, कविता में मैंने कितना इनाम जीता है, मेरा प्यार टेक्नोलॉजी नहीं, कविता है। तो जो माँ ने कहा, आप सुनिएगा बेटी, जहां तक कविता की बात है, वो तो जीवन भर साथ है। एक इंजीनियर भी, एक इंजीनियर भी कविता कर करके तन सकती है, लेकिन
कविता कर करके कोई इंजीनियर नहीं बन सकती है। माँ ने ना नाश्ता दिया ना खाना, माँ ने ना नाश्ता दिया ना खाना, उल्टा ट्रेन में बैठा के बोली अब डिग्री लेकर ही वापस घर आना, अब डिग्री लेकर ही मुंह दिखाना। भुला ना पाऊंगी, भुला ना पाऊंगी जो शिक्षा माँ से पाई, मैं कभी भुला ना पाऊंगी जो शिक्षा माँ से पाई, फिर मैं डिग्री लेकर फिर मैं इंजीनियर बनकर ही वापस घर आई। लेकिन किंतु बट परंतु टेक्नोलॉजी साइंस, एक डिग्री, एक कागज, एक ओहदा, एक टेक्नोलॉजी के कागज ने मुझे क्या से क्या कर दिया, एक कागज के टुकड़े से मैंने क्या क्या पाया, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सरमाया उस डिग्री ने, उस विज्ञान के, साइंस के, टेक्नोलॉजी के डिग्री ने मुझे समाज में स्तर दिया, नौकरी, रिश्ता, ओहदा, रहने को घर दिया। दुआ करूंगी हर लड़की टेक्नोक्रेट बने जिसने मुझे आकाश छूने का अवसर दिया। और अंत में बस ये शब्द कहूंगी, कहते हैं लड़का इंजीनियर बने तो परिवार की सीढ़ी बने। सुना है मैंने, लड़का इंजीनियर बने तो वो परिवार की सीढ़ी बने, पर मैं कहती हूं अगर लड़की इंजीनियर बने तो परिवार की कई पीढ़ी बने, परिवार वा, 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 कई पीढ़ी बने। अर्चना जी, इसको दोबारा सुनाइए, इसको दोबारा ये पंक्ति सुनाइए मेरे विनम्र अनुरोध पर। निश्चय, आपका आदेश सर आंखों पर। कहते हैं, धन्यवाद। तो मैं जब पढ़ने गई थी तब मुझसे कहा गया था कि लड़का इंजीनियरिंग डिग्री करता है तो वो परिवार की नींव रखता है, परिवार की सीढ़ी बनता है, जिसपे मैंने जोड़ा है कि कहते हैं लड़का इंजीनियर बने तो परिवार की सीढ़ी बने, पर लड़की इंजीनियर बने तो परिवार की कई पीढ़ी बने, परिवार की कई पीढ़ी बने। अर्चना जी, अब आज की कवि गोष्ठी के अध्यक्ष पंडित सुरेश नीरव जी से आग्रह करूंगा कि 2 मिनट अपना 2 शब्द इस विज्ञानिका के संस्करण के ऊपर और आज की कवि गोष्ठी के ऊपर अवश्य कहें, फिर मैं इसका समापन करूंगा। आदरणीय पंडित सुरेश नीरव जी, संक्षेप। धन्यवाद आदरणीय मानवर्धन कंठ जी। निश्चित रूप से आज की ये जो विज्ञानिका की गोष्ठी रही, ये समय सापेक्ष संवेदनाओं से लैस कविताओं की एक ऐसी अनुपम गोष्ठी रही जिसने कई नए आयाम दिए, सोच के कई जाबिये दिए, कई डायमेंशंस हमारे को दिए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज के इस आयोजन को सुनने के बाद जो विज्ञान और कविता के बीच में एक अदृश्य सा फासला था वो समाप्त हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि विज्ञान और कविता एक दूसरे के बहुत नजदीक आ रहे हैं। और विज्ञान का तो खैर कहना ही क्या है कि वो भी किसी भी चीज के मिलने को ही विज्ञान कहते हैं कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो मिलेगा तो पानी बनेगा, सोडियम क्लोरीन से मिलेगी तो सोडियम क्लोराइड नमक बनेगा, और जब भी हम किसी चीज को तोड़ते हैं तो अणु विखंडन होता है, तो आप जानते हैं फिर विध्वंस होता है। तो विज्ञान जो है जोड़ने की भाषा है, और बहुत अच्छी बात यह है कि ज्ञान और प्रज्ञान दोनों आज जुड़े दिखाई दे रहे हैं। और जैसे हमारे अर्चना पांडा जी ने रचना पढ़ी कि इंजीनियर हो, मुझे तो लगा कि वो इंजीनियर हैं इसीलिए तमाम सारे लोगों के बहुत नियर हैं, क्योंकि महिला हो और इंजीनियर हो तो ये बहुत बड़ी बात है, एक नया आयाम उन्होंने बनाया है। सबकी कविताएं, चाहे टूटते हुए ग्लेशियर पर कविता हमारी डॉक्टर सुब्रता प्रभा जी ने पढ़ी, बहुत ही जागरूक करने वाली रचना है, पर्यावरण के प्रति जागरूकता देती है। या मंगल ग्रह के लिए जो हमारा यान गया, यशपाल जी ने पूरी उसकी काव्यात्मक कथा बनाकर उसको प्रस्तुत किया, तो जो लोग नहीं उसके डिटेल्स को जानते थे उनको इससे बहुत जानकारी मिली। हमारे मनीषा कंठालिया जी ने बहुत अच्छी रचना पढ़ी, और जर्मनी से जो हमारी योजना जी आई हैं, योजना जैन साहा जी, वो स्वयं वैज्ञानिक चेतना की हैं और बहुत अच्छी कविता उन्होंने पढ़ी और संतुलित उसमें पढ़ा, समय भी कम लिया और बहुत बड़ी बात कही। विज्ञान की यही परिभाषा है कि चीज आयतन में कम हो लेकिन घनत्व में अधिक होना चाहिए, वॉल्यूम नहीं, डेंसिटी होना चाहिए। जी, जी, तो ये उनका एक वैज्ञानिक विजन रहा। तो सारे ही लोग, मैं ये कह सकता हूँ, ये विज्ञान के मैखाना है जामे जम नहीं, और यहाँ कोई किसी से कम नहीं, जितने भी लोग आए थे सब
जो ना अनूठे थे, अतुलनीय थे, अप्रतिम थे, अद्भुत थे। मैं सबों की वैज्ञानिक चेतना को प्रणाम करता हूँ और मानवर्धन कंठ जी को भी मैं इस बात के लिए कि इसको बहुत ही डेडिकेटेड होकर काम करते हैं। वो विज्ञान के कर्मचारी नहीं है, विज्ञान के योद्धा है, इज ए वॉरियर ऑफ साइंस। मैं उन्हें कह सकता हूँ कि हैप्पी साइंस डे, आपने जो आज किया है आपको मैं शुभकामनाएं देता हूँ। और विज्ञान को सेलिब्रेशन आपने बनाया, क्रिएशन के साथ सेलिब्रेशन भी बना दिया, इसके लिए आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि इसके पीछे आपकी भी सोच है। और मैंने जैसा कहा कि सपने जो है ना, हमको सोच तो देते हैं, हमें सपने में आता है कि हम कुछ करें, लेकिन उसे करने के लिए फिर एक्शन भी चाहिए। तो ये जो सपने देखे गए हैं, इसमें एक्शन भी है और इसमें थिंकिंग भी है। थिंकिंग और एक्शन का जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम है वो आज हमने इस कार्यक्रम में देखा। सपने हमारे और साकार हों, हम ऐसे ही और वैज्ञानिक सपने देखें, इस कामनाओं के साथ मैं दोबारा इस वैज्ञानिका के आदरणीय पाराशर जी से लेकर जितने भी लोग दृश्य अदृश्य इसके साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो टेक्निकल टीम के हमारे सोमनाथ भौमिक जी हों और जो तमाम सारे लोग हैं, उन सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। और बहुत मैं एहसान मानता हूं कि मानवर्धन जी ने मुझे इस योग्य समझा कि मुझे अध्यक्षता के लिए बुलाया, मैं इसके लिए भी उनका आभार मानता हूं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर, और मैं प्रणाम करता हूं आपको और सभी कविजनों को। मुझे पूरा विश्वास है कि विज्ञान कविताओं की ये शाम आपको आनंदित और आह्लादित किया होगा। अपने सभी कविजनों को मैं पुनः पुनः धन्यवाद एवं आभार प्रकट करना चाहूंगा। आप सभी सुधी दर्शकों से विदा लेने से पहले एक विनम्र अनुरोध, विज्ञान प्रौद्योगिकी आविष्कार और नवाचार जगत के विश्वसनीय कार्यक्रमों को देखने के लिए अपने मोबाइल पर इंडिया साइंस ऐप अवश्य डाउनलोड करें। एक बात और, देश का अपना विज्ञान चैनल इंडिया साइंस अब फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और लिंक्डइन पर भी उपलब्ध है। विज्ञानिका के अगले संस्करण के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।